हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी राखी मेकअप लुक, जिसके लिए मैं ये पर्पल साड़ी वेयर करने वाली हूं। इसके साथ मैंने ये ऑक्सीडाइज बैंगल सेलेक्ट किया है। साथ में मैं वेयर करूंगी वॉच एंड ये चोकर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस्तेमाल कर रही हूँ जोविस का क्यूकम्बर टोनर। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और किसी भी वेदर में आपको मेकअप स्टार्ट करने से पहले CTM ज़रूर करना चाहिए, मीन्स क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो मैंने टोनिंग जो है वो अच्छे से अपने फेस और नेक पे कर लिया है। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पॉन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो मॉइस्चराइजिंग का होता है। तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र का जो फॉर्मूला है वो जेल में है, तो जिसका भी ऑयली स्किन वाले हैं उसके लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद मैं प्राइमर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का नेचुरल एक्वा जेल प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जेल फॉर्मूला है इसका, एंड इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एंड एलोवेरा है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है आपके स्किन के लिए। तो मैंने इसको मेरे फेस एंड नेक दोनों पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम बेज, एंड इसको मैं मेरे जहाँ जहाँ पे मुझे फेस पे डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं फाउंडेशन या फिर BB क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं जो बेस है वो बहुत ही कम ही रखूं, बहुत ही लाइट बेस रखूं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो इसीलिए। एंड मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे बढ़िया तरीके से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यूज़ कर रही हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट का कॉम्पैक्ट, एंड इससे मैं मेरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। जो भी मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है जो भी मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं इस कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट कर लूँगी अपने फेस पे। नेक को भी ज़रूर कवर कीजिएगा, वरना आपका जो फेस है और जो नेक है वो अलग अलग दिखेगा, तो नेक को भी कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लश के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर डे फोर्स मिनी ब्लश इन द शेड 03 मॉव मार्बल, एंड जिस ब्रश की हेल्प से मैंने मेरे कॉम्पैक्ट को अपने फेस पे अप्लाई किया था, सेम ब्रश की हेल्प से मैं इस ब्लश को भी अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, एंड इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने चीक बोन पे अप्लाई कर रही हूँ।
अपने आईब्रो को मैं फिल करूंगी। उससे पहले मैं आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने आईब्रो फिल कर लिया है। मैंने इस्तेमाल किया है सुजी ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन दी शेड 03 एंड उसके ब्राउन आई शेडो से मैंने मेरे आईब्रोज को फिल किया है। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा क्लियर मस्कारा एंड इससे मैं मेरे ब्रोज को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर का मिनी ब्लश इन द शेड 04 सालमन सुपरस्टार एंड इसको इस ब्लश को मैं एज अ आई शेडो इस्तेमाल करूँगी एंड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको मेरे क्रीज एंड आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। पूरे ही आईलिड पे मैं यही कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने आंखों के नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैली का मूनलाइट मैजिक हाइलाइटर पैलेट एंड इसमें से मैं एक लाइट गोल्डन कलर को मैंने पिक किया है एंड उसको मैं मेरे आईलिड पे अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से लगा ले रही हूँ। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो ना रहे। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे शुगर का ब्राउन काजल एंड इसको मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। ओके, अपर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया फेसेस कैनेडा का ब्लैक काजल। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन दिस शेड 03 एंड उसमें से मैं एक ब्राउन कलर को मैंने पिक किया है एंड उसको मैं मेरे आँखों पे एज अ आई लाइनर अप्लाई करूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर का मस्कारा। अप्लाई करने से पहले मैंने मेरे आई लैशेज को अच्छे से कर्ल कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ शुगर का मस्कारा अपने अपर एंड लोअर दोनों ही लैश लाइन पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मिस क्लेयर का सेटिंग स्प्रे एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं मेरे इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर ले रही हूँ सेम हाइलाइटिंग पैलेट से। अपने ब्रो बोन को भी मैं हाईलाइट करूँगी। अब इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 02 ब्रिक ऑफ पिंक। मैं अपने क्यूपिड बो को हाईलाइट कर रही हूँ। थोड़ा सा हाइलाइटर अपने ब्यूटी बोन पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने चोकर जो है वो पहन लिया है एंड दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। आई होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड मैंने ये सारे कुछ इस तरीके से वेयर किया है। पीछे मैंने बस बालों में सिंपल सा क्लचर मैंने अप्लाई कर लिया है, कोई खास डिज़ाइन मैंने नहीं बनाया है। और या दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।